एक्सरसाइज 5.6 में 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करे थे हम लोगों ने। 8th नंबर देखते हैं। 8th नंबर पे x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2 और y इज इक्वल टू a sin t दिया है और दोनों से कैलकुलेट करके डी डी एक्स सब वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। प्रोसीजर आप जानते ही हैं, पहले हम इसका t के सापेक्ष, इसका पैरामीटर t है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहां लिखेंगे x का अवकलन t के सापेक्ष करने पर, तो यहां लिखेंगे d dt ऑफ x इज इक्वल टू a cos t का डेरिवेटिव आपको याद होगा माइनस sin t प्लस, इसमें जो tan t बाई 2 है अगर आप इसको t मान लो तो ये log t बन गया और log t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 अपॉन t, t मीन्स tan t बाई 2 और फिर tan t बाई 2 का करिए, तो अगर t बाई 2 को हम t मान लें तो ये tan t हो जाएगा, tan t का क्या होगा sec स्क्वायर t, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2 बाई sec स्क्वायर t आएगा ना, ठीक है, तो हमने t बाई 2 को t माना है और उसके बाद t बाई 2 का फिर आपको करना पड़ेगा तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, चैन रूल आपने पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार, पहले लॉग फलन का लगाया तो 1 अपॉन फंक्शन, फिर टैन फंक्शन लगाया तो sec स्क्वायर फंक्शन, फिर इसका किया t बाई 2 का तो 1/2 बाहर आ गया, t का 1 हो गया। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, माइनस साइन t प्लस ये हमने 1/2 नोट कर लिया, ये 1/2 sec स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2, sec स्क्वायर t बाई 2 है, 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 अपॉन tan t बाई 2 को हम लिख सकते हैं sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, ऐसा बन गया ये a माइनस साइन टी प्लस 1/2। इसको कैलकुलेट करना आपको आता है, पहले 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 लिख दू इनटू ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है ये पलट जाएगी, पलट जाएगी तो ये ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, कॉस टी बाई 2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, दो है ना, एक बच जाएगी, ए माइनस साइन टी प्लस 1/2 और ध्यान से देखिएगा एक कॉस टी बाई 2 बचा, एक साइन टी बाई 2, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 अपॉन में तीनों चीजें हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन टी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम ये हटा करके लिख सकते हैं साइन टी। नहीं समझ में आई इतना आपको, अब इसके नीचे आप 1 ले लो, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, एलसीएम हमने ले लिया साइन टी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टी का गुणा माइनस साइन टी से करा जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। एलसीएम का प्रोसेस आप जानते हो, इसके बाद ये हमने a लिखा, ये इस वक्त हम डी डी टी ऑफ x निकाल रहे हैं, तो ये हमने a लिख दिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ध्यान से देखो इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी।
बस इसको ऐसे ही बना रहने दो आप। ये डी डी टी ऑफ एक्स आ गया। अब हम वाई का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे वाई का अवकलन टी के सापेक्ष करने पर y का अवकलन t के सापेक्ष, ये तो बड़ा इजी फंक्शन है, डी डी टी ऑफ y बराबर a और sin t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos t। बस इसमें तो इतना ही करना है आपको, अभी आपका काम ये है हमको डी डी एक्स ऑफ y निकालना है। अब डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ y अपॉन डी डी टी ऑफ x। डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू ये आई है, तो इसको नोट कर दीजिए ए कॉस टी, और डी डी टी ऑफ एक्स ये हम पहले निकाल चुके हैं ए कॉस स्क्वेयर टी अपॉन साइन टी। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, बेटा देखो ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर हमने ये कॉस टी लिखा इनटू ये नीचे की भिन्न पलट जाएगी, तो साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, इससे इसकी एक पावर फिर कैंसिल हो जाएगी, दो है ना इसमें, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचा साइन टी अपॉन कॉस टी, और साइन टी अपॉन कॉस टी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, टेन टी, यही डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है। देखिए नहीं समझ में आ रही बात आपको, तो इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8, 9 भी कर लेते हैं, जगह है अभी हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 9 इजी भी है, एक्स की वैल्यू दी गई है उस पर ए सेक थीटा और वाई है बी टेन थीटा, एक्स है ए सेक थीटा और वाई है बी टेन थीटा, बाद में नोट कर लेंगे पहले एक्स का। अब आप बताइए अगर ये एक सेक थीटा है और वाई है बी टेन थीटा, तो इसमें पैरामीटर कौन, थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना चाहिए हमको, तो एक्स का अवकलन थीटा के सापेक्ष करने पर, तो यहां लिखेंगे डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की जगह पर ए सेक एक्स का, एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, सेक एक्स इंटू, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ऐसे ही सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, कॉसेक कॉट इंटू कॉसेक एक्स होता है उसका, तो ए की जगह sec थीटा का sec थीटा इंटू टेन थीटा ये होता है। अब y ले लीजिए, y की वैल्यू बुआ क्या थी, b tan थीटा, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, y का अवकलन थीटा के सापेक्ष करने पर डी डी थीटा वाई इज इक्वल टू बी और टेन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलज क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। हमको डी डी थीटा ऑफ एक्स भी मिल गया और डी डी थीटा ऑफ वाई भी मिल गया। अब हम बड़ी आसानी से डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल सकते हैं, उसके लिए डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स ये करेंगे, डी डी थीटा ऑफ वाई ये है बी सेक स्क्वायर थीटा, और डी डी थीटा ऑफ एक्स की जगह पर ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी सेक थीटा के, b अपॉन a sec थीटा को बेटा लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से ये cos थीटा भी कैंसिल, b अपॉन a
और यहाँ वन अपॉन साइन थीटा बचा, वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू इसमें आ गई बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, केवल दो क्वेश्चन और रह गए हैं, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे एक्स और वाई इस तरह से दिए हैं और दोनों को आप गौर से देखेंगे तो आपको दोनों में पैरामीटर दिखेगा थीटा, तो इसको भी थीटा के और उसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे एक्स का अवकलन थीटा के सापेक्ष करने पर, तो ये आएगा डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन थीटा प्लस। इसमें दो फंक्शन आप देख रहे हैं, एक ये और एक ये आपको दिखाई दे रहा है और दोनों गुणनफल में हैं, तो हमको यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज। तो पहला फलन दूसरे का अवकलज साइन थीटा का अवकलज कॉस थीटा प्लस दूसरा फलन साइन थीटा पहले का अवकलज थीटा का अवकलज वन ही हो जाएगा। अब आप देखिए बेटा, ये माइनस का साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, और ये क्या रह गया यहाँ पर, थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ आ गया इतना। अब वाई का भी करेंगे, वाई का अवकलन थीटा के सापेक्ष करने पर, तो ये आ जाएगा डी डी थीटा वाई इज इक्वल टू ए है इस जगह पर, ठीक। तो फिर ए कांस्टेंट है, बाहर बना रहने देते हैं। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस, यहां फिर से दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक थीटा और दूसरा ये कॉस थीटा, और दोनों गुणनफल में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलज कॉस थीटा का अवकलज माइनस साइन थीटा प्लस दूसरा फलन कॉस थीटा पहले का अवकलज थीटा का अवकलज क्या होगा, वन, नहीं लिखते उसको अब हम, ए और ब्रैकेट के अंदर देखोगे कॉस थीटा, बाहर माइनस है तो इसके अंदर के निशान बदले जाएंगे, माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ए इंटू थीटा साइन थीटा, ये आ गया डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू, ठीक है। बस आपको तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए। अब डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, हम लिखेंगे डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स। डी डी थीटा ऑफ वाई, डी डी थीटा ऑफ वाई ये ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स है ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसिल, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। ये डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकल के आ गया। बस कितना आसान है, देखो समझ नहीं आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 बस यहीं कर देते हैं, बड़ी जल्दी हो जाएगा ये। x इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी
ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और वाई की वैल्यू दी गई है अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। तो दर्शाइए कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे आप। एक काम कर दें आप, इसे दोनों को आपस में गुणा करवा दें। क्यों? क्योंकि इससे हमारा आंसर बन जाएगा। सब सवालों में ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है। देखिए इसमें हो रहा है तो कर लेते हैं। ठीक है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो आपस में। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई का क्या होगा, अंडर रूट। इन दोनों का गुणा करेंगे ना बेटा, देखो दोनों अंडर रूट के अंदर है तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं आ जाएगा। ये a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू a टू द पावर कॉस इनवर्स t, और यहाँ पर वही रूल तो लग गया, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो दोनों अंडर रूट के अंदर थे, गुणा कराया तो इस तरीके से गुणा हो जाएगा इनका। x इंटू वाई इज इक्वल टू, आप देखें ये a टू द पावर साइन इनवर्स t है और ये a टू द पावर कॉस इनवर्स t है, बेस दोनों के सेम है तो गुणा में ये घाते जो है वो जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये बन जाएगा a टू द पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़े हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। नहीं याद आया? नहीं आया तो रिवाइज करा करो ना, अगर नहीं याद आ रहा है तो कहाँ कमी है। आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं पुरानी चीज़ों की, तो आप रिवाइज करा करें भाई। साइन स्क्वेयर थीटा या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब तो कुछ याद आया होगा, तो हम इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, पाई बाई टू ए टू द पावर पाई बाई टू। ठीक है, अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें बेटा दो फलन आपस में गुणनफल में हैं तो प्रोडक्ट रूल यहां लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज। तो पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज वन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, कोई एक्स वाई नहीं है, देख रहे हैं ए भी कांस्टेंट, पाई बाई टू भी कांस्टेंट और इसके अलावा कोई वेरिएबल है नहीं इस पे, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब वाई उधर भेज दीजिए तो यह आ जाएगा एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा तो यह हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। अब देख ले, यही आपको दिखाना था, समझ आया आपको? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 कर देंगे। आप ये सोच रहे हो अगर कि क्या ऐसा हम और किसी क्वेश्चन में कर सकते हैं, तो जिसमें ये करने से आपकी कैलकुलेशन के लायक कोई चीज़ मिलेगी बेशक कर लेंगे हम, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें हो गया तो हमने कर लिया, जब नहीं होगा तो नहीं करेंगे, बेसिक मेथड लगाएंगे। ठीक है,
तो ये नोट कर ले, और ये हमारी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे।